तेरागांव थाना क्षेत्र के भौड़ा पंचायत स्थित रेतवा नदी तट के अवैध खनन करने के मामले में तेरागांव पुलिस ने 6 ट्रैक्टर को मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया है। बालू लदा ट्रैक्टर तेरागांव पुलिस ने जब्त कर जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई जिसमें बालू लदे 6 ट्रैक्टर धराया गया। सभी ट्रैक्टर जब्त कर इस मामले की जाँच की जा रही है। थाना क्षेत्र के भौड़ा पंचायत रेतवा नदी पर अवैध तरीके से बालू खनन मामले में 6 ट्रैक्टर को जब्त किया। जिले के तेरागांव प्रखंड मुख्यालय स्थित 88 लाख खर्च करने के बाद भी लोगों को शुद्ध पिय जल नसीब नहीं है। जबकि 2011 में जल मीनार का कार्य शुरू हुआ था। 2012 में संवेदक को जल मीनार बनकर तैयार कर ग्रामीणों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन इतने साल बीतने के बाद भी लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं है। लोग दूषित जल पीने से कई तरह से की बीमारियों से झेल रहे हैं। बताते चले कि तेरागांव प्रखंड मुख्यालय में 2011 में जल मीनार का कार्य शुरू हुआ था। 2012 में लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन कागज में शुद्ध पेयजल ग्रामीणों को दिया जा रहा है। तेरागांव प्रखंड के क्षेत्र में तेरागांव प्रखंड क्षेत्र के डाकफोकर पंचायत के बेनुगढ़ शिवालय मंदिर में श्री श्री 108 अखंड संकीर्तन बेनुगढ़ स्थित शिवालय मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर अष्टयाम का भी आयोजन किया गया जिसमें प्रखंड क्षेत्र के माहौल भक्तीय बनाया हुआ है। दूरदराज से कलाकारों ने पहुंचकर अष्टयाम के दौरान शिव की लीला भी दिखाई। बेनुगढ़ स्थित शिव मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया जहाँ दूरदराज के लोगों ने पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इसी तरह प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न छोटे बड़े मंदिर समेत तेरागांव थाना क्षेत्र के भौड़ा पंचायत स्थित रेतवा नदी तट के अवैध खनन करने के मामले में तेरागांव पुलिस ने 6 ट्रैक्टर को मौके पर पहुंचकर पकड़ लिया है। बालू लदा ट्रैक्टर तेरागांव पुलिस ने जब्त कर जांच कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई जिसमें बालू लदे 6 ट्रैक्टर धराया गया। सभी ट्रैक्टर जब्त कर इस मामले की जाँच की जा रही है। थाना क्षेत्र के भौड़ा पंचायत रेतवा नदी पर अवैध तरीके से बालू खनन मामले में 6 ट्रैक्टर को जब्त किया। आज प्रखंड क्षेत्र के झाला पंचायत के भूमिहीन 2 डिसमिल जमीन को लेकर 2 वर्षों से अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन गरीब भूमिहीन जमीन को कोई मदद नहीं मिल रहा है। क्या कहा लाभुकों ने? अंचल में दिए था, अंचल में क्या बोला? अंचल में बोला कि मेरा दादा का है, नहीं देंगे। हम जहाँ जमीन है कि उनके घर पानी दिए क्योंकि अड़चन है कि वो भगा दिया हमको। हमारा बस्ती का लोग यहाँ पे फोन किया, यहाँ से आदमी गया तो जाकर घर भांग दिया, भांग कर घर उनको रख दिया है। सामान बात चलाया हमको संभाल में आने बोला।